प्रिय दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्रनाथ पांडे मध्य प्रदेश ग्वालियर से बोल रहा हूँ। आप लोग जिस प्रकार से मेरे प्रोग्राम को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, फरमाइश कर रहे हैं, इसके लिए आप लोगों को कोटि कोटि धन्यवाद। दोस्तों, मेरा भी प्रयास है कि आपको अपने वीडियो के माध्यम से कुंडली तथा कुंडली के ग्रहों के प्रत्येक तालमेल का ज्ञान प्राप्त कराऊँ और जानकारी दूँ। मेरा प्रयास है कि आप लोग अगर मेरे वीडियो को देखते रहेंगे तो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपके सहयोग के लिए मेरे प्रत्येक वीडियो मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, फिर भी मैं बोल देता हूँ, मेरा मोबाइल नंबर 9425308111 है। दोस्तों, ये मोबाइल नंबर आपके सहयोग के लिए मैं इसलिए देता हूँ कि अगर वीडियो संबंधी कोई प्रश्न हो तो मुझसे आप करिए, मैं फ्री सेवा कर दूंगा। अगर कोई मित्रगण अपने कुंडली का विशेष विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप संपर्क करिए, उसका कुछ फीस आपको देना होगा। अगर फीस देंगे तो आपकी कुंडली का पूर्ण विवेचन कर दूंगा। आज आपको एक नया वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ, कन्या राशि में बुध राहु की युक्ति। दोस्तों, जैसा आपको ज्ञान होगा कि कन्या राशि में बुध उच्च का हो जाता है और राहु स्वग्रही हो जाता है। राहु स्वग्रही होता है कन्या राशि में और बुध उच्च भाव का हो जाता है। आपके कुंडली में इनकी युक्ति है तो लग्न से लेके प्रत्येक भाव में क्या प्रभाव देता है ये आपके सामने रख रहा हूँ। जिसके कुंडली में कन्या राशि में लग्न में कन्या राशि लग्न में बुध राहु की युक्ति हो, ऐसे लोग सोच अच्छी होती है, विचार अच्छे होते हैं, कार्य करने की क्षमता होती है, बुद्धिजीवी होते हैं। जिसके कुंडली में दूसरे भाव में कन्या राशि हो उसमें बुध राहु की युक्ति है, ऐसे लोग अच्छा धन कमाते हैं, अच्छी उन्नति करते हैं, सम्मान का जीवन जीते हैं। जिसके कुंडली में तीसरे भाव में कन्या राशि हो उसमें बुध राहु की युक्ति हो, ऐसे लोग माता पिता के शुभचिंतक होते हैं, भाई बंधुओं के शुभचिंतक होते हैं। इनको माता पिता से आर्थिक सहयोग मिलता है, भाई बंधुओं से सहयोग मिलता है और बचपन से ही इनमें तीव्र बुद्धि और तीव्र कार्य करने की क्षमता होती है। जिसके कुंडली में चौथे भाव में कन्या राशि हो उसमें बुध और राहु की युक्ति हो, ऐसे लोग अक्षमातिक धन की हानि कर बैठते हैं, परिश्रम का सही लाभ नहीं ले पाते हैं, मानसिक तनाव में रहते हैं। जिसके कुंडली में पांचवें भाव में कन्या राशि हो उसमें बुध और राहु की युक्ति हो, ऐसे लोग पूर्ण विद्वान होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं और समाज में अपनी विद्या के द्वारा पहचान बनाते हैं। जिसके कुंडली में छठवें भाव में कन्या राशि हो उसमें बुध और राहु की युक्ति हो, ऐसे लोग चरित्रवान होते हैं, ऐसे लोग उदार होते हैं, भावुक होते हैं, दयालु होते हैं, समाज सेवक होते हैं। जिसके कुंडली में सातवें भाव में कन्या राशि हो उसमें बुध राहु की युक्ति हो, ऐसे लोग का दाम्पत्य जीवन अच्छा रहता, पारिवारिक जीवन अच्छा रहता है, कभी भी विवाद नहीं होता है और इच्छा अनुसार उन्नति करते हैं। परंतु ऐसे लोग का लव मैरिज शादी सफल नहीं होता। जिसके कुंडली में आठवें भाव में कन्या राशि हो उसमें बुध राहु की युक्ति हो, ऐसे लोग शारीरिक रूप से परेशान रहते हैं, मानसिक रूप से परेशान रहते हैं और धन आर्थिक रूप से भी परेशान रहते हैं। जिसके कुंडली में नौवें भाव में कन्या राशि हो उसमें बुध राहु की युक्ति हो, ऐसे लोग कर्जदार हो जाते हैं, ऐसे लोग उन्नति नहीं कर पाते हैं, नौकरी में सस्पेंड हो जाते हैं, पदोन्नति नहीं होती है, आर्थिक परेशानियों में रहते हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा बर्बाद होती है। जिसके कुंडली में दसवें भाव में कन्या राशि हो उसमें बुध राहु की युक्ति हो, ऐसे लोग पूर्ण जीवन में सफल रहते हैं, ऐसे लोग उद्योग के द्वारा, व्यापार के द्वारा धन कमाते हैं, ऐसे लोगों को सरकार से भी उच्च पद की प्राप्ति होती है। जिसके कुंडली में ग्यारहवें भाव में कन्या राशि हो उसमें बुध राहु की युक्ति हो,
ऐसे लोग जीरो से हीरो बनते हैं, अपनी पहचान स्वयं बनाते हैं, किसी पर आश्रित नहीं रहते। इनके पास जो भी जीवन में धन दौलत रहता है स्वयं का बनाया हुआ रहता है और समाज में अच्छे पूजे जाते हैं। जिसके कुंडली में 12वें भाव में कन्या राशि हो, उसमें बुध राहु की युक्ति हो, ऐसे लोग के चौथेपन अच्छे नहीं जाते हैं। ऐसे लोग मानसिक तनाव में रहते हैं, ऐसे लोगों के संतान योग्य नहीं होते हैं, ऐसे लोग कमाए हुए धन बर्बाद कर देते हैं और कर्जे के कारण की सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल हो जाती है। ये छोटा सा वीडियो कन्या राशि में राहु बुध राहु की युक्ति कुंडली के किस किस भाव में क्या लाभ हानि देता है ये आपके सामने मैंने रखा, इसको सुनिए। इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो मुझसे करिएगा, मैं सहयोग करूँगा। इतना कहते वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। नमस्कार।